तो तीनों मिलकर खूब मस्ती करते, गेम्स खेलते, कार्टून देखते, आई स्पाई खेलते, पिकनिक पर जाते। रीति की जिंदगी में पहले जितना खालीपन था, अब उतनी ही खुशियां आ गई थी। आई लव यू ईशानी, आई ऑलवेज लव्ड यू और हमेशा करती रहूंगी, अपनी आखिरी सांस तक। आई लव यू। पर्पल लव प्रेजेंट स्टोरी बेपनाह, रिटन बाय कृष्णा। लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि रीति ईशानी को अपना डिसीजन सुनाते हुए कहती है कि वो उसे छोड़कर अब कहीं नहीं जाएगी, वो ईशानी के साथ ही हमेशा रहेगी। तब ईशानी उसे समझाते हुए कहती है, पता है रीति, मौत मरने वाले की नहीं होती, मौत होती है उनकी जो पीछे छूट जाते हैं, जो बस उस शख्स की यादों में जिंदगी ढूंढते हैं। नहीं रीति, मैं तुम्हें जीते जी नहीं मार सकती। अब आगे तब रीति जवाब देती है, चुप रहिए आप, कुछ नहीं होगा आपको। रही बात कुछ महीनों की, तो तुम मुझसे 15 साल दूर थी, तब कौन सा जी रही थी मैं। सिर्फ सांस लेने को जीना नहीं कहते हैं ईशानी, और अगर एक बार फिर से मर जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। क्या तुम ये कुछ महीने मुझे नहीं दे सकती हो। और रही बात फैमिली की, तो मेरी फैमिली तुम हो ईशानी, और ऋषु हमारा बेटा है। आज तो तुम हो, कल को अगर तुम्हें कुछ हुआ तो उसका क्या होगा। मेरी फैमिली सिर्फ तुम, ऋषु और अम्मा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अपनी जिंदगी से, करियर से या फैमिली से, मेरी जिंदगी हमेशा से तुम थी, अब भी रहोगी, समझी। ईशानी ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की, पर रीति तुम समझ नहीं रही हो। एक बीमार इंसान के साथ रहना जो कुछ महीनों में मर जाएगा, आसान नहीं है रीति। इतना बोलते हुए ईशानी का गला भर आया। थोड़ा रुक के उसने आगे कहा, उसके बाद क्या तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खालीपन के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ईशानी की बात सुनकर रीति को अब गुस्सा आ रहा था। तब उसने गुस्से में कहा, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूं। मैं कहीं नहीं जाने वाली, जिंदगी का खालीपन मुझसे पूछ रही हो। तुम्हारे पास तब भी ऋषु था, मेरे पास क्या था। 15 साल से जो खालीपन है उसका क्या। तुम समझ क्यों नहीं रही हो रीति। ईशानी ने इतना कहा ही था कि रीति ने अपने हाथों से उसके शब्द रोक दिए और आगे कहा, ईशु प्लीज, ये कुछ महीने मुझे दे दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, प्लीज। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने आगे कहा, जो हर वादा तुमने मुझसे किया था वो हर वादा मैं निभाना चाहती हूँ। अब मैं एक मिनट भी तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहती, प्लीज। 15 सालों से मैं तुमसे दूर थी, पर अब एक पल भी नहीं। महादेव ने मुझे तुमसे इसीलिए मिलाया है। तुम मेरी जिंदगी हो ईशानी, तुमसे दूर रह के मैं नहीं जी पाऊंगी, प्लीज। ईशानी ने कुछ बोला नहीं और बस दोनों इसी तरह चुप रहे। 2 दिन बाद ईशानी का डिस्चार्ज हुआ। कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, पर कमजोरी अभी भी थी। इन सब में ऋषु की बॉन्डिंग रीति से बहुत अच्छी हो चुकी थी। वो रीति को भी मम्मा कहने लगा था। ईशानी के फोर्स करने पर रीति ने अपना प्रेजेंट केस को सॉल्व कर दिया और अपना ऑफिस बनारस में ही शिफ्ट कर लिया। उसने अपना करियर बनारस से ही रिज्यूम कर दिया। कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ। रीति के पिता उसे लेने वापस भी आए, पर रीति ने जाने से साफ मना कर दिया। बाबा साहब, आपने मेरे साथ 15 साल पहले जो किया था वो मैं अभी भी भूल नहीं पाई हूँ। महादेव ने मुझे ईशानी से दोबारा मिलाया है और अब मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। रही बात रियासत की जिम्मेदारियों की, तो वो मैं यहाँ से भी निभा सकती हूँ। अब आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। कुछ घंटे जब रीति अपने ऑफिस में होती तो ऋषु ईशानी के साथ रहता, और जब रीति फ्री होती तो तीनों मिलकर खूब मस्ती करते, गेम्स खेलते, कार्टून देखते, आई स्पाई खेलते, पिकनिक पर जाते। रीति की जिंदगी में पहले जितना खालीपन था, अब उतनी ही खुशियां आ गई थी।
पहले वो जितनी रूड और एगोइस्टिक थी, अब वो 15 साल पहले वाली पुरानी रीति की तरह सौम्य और चंचल हो चुकी थी। इतने दिनों में रीति के मन में जितनी खुशी थी उतना ही डर भी। डर ईशानी को खोने का। कभी ईशानी की तबीयत खराब होती तो रात रात भर उसके पास बैठी रहती, उसका ख्याल रखती, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। ऐसे ही कई महीने बीत गए। अगस्त आ चुका था। ईशानी की तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं थी। वो 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी। ऐसे ही सावन की एक रात बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। ईशानी के जिद करने पर रीति उसे बाहर बालकनी में ले आई और दोनों काउच पर बैठे हुए थे। ईशानी बहुत ध्यान से बारिश को देख रही थी, मानो जैसे वो मौसम की ठंडक को अपने अंदर भर लेना चाहती हो। थोड़ी देर बाद दोनों ने एक दूसरे के सिर से सिर टिका दिया और साथ में बारिश देखने लगे। कुछ देर बाद ईशानी ने प्यार भरी नजरों से रीति को देखते हुए कहा, रीति? तब रीति ने जवाब दिया, बोलो। ईशानी ने बड़े प्यार से कहा, रीति, आई लव यू। मैंने आज तक तुमसे नहीं कहा, पर आज कहती हूँ। शायद कभी ये कह पाऊँ या नहीं, पर आई लव यू। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू और हमेशा करती रहूँगी। हमेशा, फॉर एवर इज आवर थिंग। ईशानी की ये बातें सुनकर रीति का मन भर आया था। उसने अपनी होंठ ईशानी के माथे पर रखते हुए कहा, क्या बात है, रोमांटिक एंड ऑल, पहले तो कभी नहीं हुई। और हाँ, व्हाटएवर इज आवर थिंग, आई डू लव यू। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और करती रहूँगी, आई प्रॉमिस। तब ईशानी ने एक स्माइल के साथ कहा, क्या पता, शायद इस जन्म फिर मुलाकात हो ना हो। ईशानी ने ये कहा तो रीति ने उसे शांत कर दिया। हमेशा ये बातें क्यों करती हो? कह दिया ना, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, हमेशा मेरे साथ रहोगी तुम। तब ईशानी ने किसी बच्चे की तरह कहा, अच्छा चुटकुल नहीं कहती, पर एक वादा करो। तब रीति ने उसे देखते हुए कहा, चुटकू? रियली? मैं एक बच्चे की माँ हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ क्या वादा चाहिए? तब ईशानी ने कहा, वैसे तो वादे की ज़रूरत नहीं, लेकिन कल अगर मैं नहीं रही तो तुम ऋषु का ख्याल रखना, उसे अपने साथ साथ मेरा भी प्यार देना, उसे कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना, ओके? तब रीति ने जवाब दिया, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ऋषु हमारा बेटा है, हम मिलकर उसकी परवरिश करेंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। उसके बाद ईशानी ने उसे बेहद प्यार भरी नज़रों से कहा, अच्छा सुनो ना, एक गाना सुना दो ना, लग जा गले से, प्लीज़। तब रीति भी उसे मना नहीं कर पाई। उसने गाना गाना शुरू किया, लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म ये मुलाकात हो ना हो। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो ना हो। तभी अचानक रीति को महसूस हुआ जैसे ईशानी के हाथों की ग्रिप ढीली हो रही है। उसने गाना बंद किया
तो ईशानी का बेजान हाथ उसके हाथों में था। उसकी सांसें जो अभी तक उसकी सांसों में मिल रही थी वो थम चुकी थी। ईशानी एक बार फिर रीति को बीच राह में छोड़ चुकी थी। ईशानी अब जा चुकी थी। रीति तो जैसे स्थिर हो गई थी। उसके आंसू उसकी आंखों से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तक जो इंसान उसकी बाहों में था उससे बातें कर रहा था, वो अब बस एक शरीर मात्र है। उसकी ईशानी जा चुकी थी। उसने अपना होंठ उसके माथे पर रखते हुए उसे चूमा और कहा, आई लव यू ईशानी, आई ऑलवेज लव्ड यू और हमेशा करती रहूंगी, अपनी आखिरी सांस तक। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ओके, मेरे पास अब कोई वर्ड्स नहीं है आज के एपिसोड के एंड में, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी इमोशनल, वेरी, टू बी ऑनेस्ट, पूरा एपिसोड रिकॉर्ड करते टाइम कॉन्टिन्यूस मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। सिर्फ मेरे नहीं, मतलब जो राइटर है कृष्णा, इवन शी क्राइड, वो लिखते टाइम वो रो रही थी और रिकॉर्ड करते टाइम मैं। बहुत मुश्किल होता है यार अपने प्यार को अपने आंखों के सामने से दूर होते हुए देखना, और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि जब वो इस दुनिया में होता है तो हम फिर भी एक खुद को समझा पाते हैं कि हाँ वो जहाँ भी है ठीक है, लेकिन जब वो हमेशा के लिए में छोड़कर चले जाते हैं जहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता, उस दर्द को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। ओके, आज का एपिसोड बस इतना ही था। आगे देखते हैं रीति क्या करती है, कैसे खुद को संभालती है, और अब ऋषु का क्या होगा? क्या रीति ऋषु को सच में संभालेगी या फिर वो भी बिखर जाएगी? क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, सुनने ज़रूर आइएगा। हाँ,